हम ये व्यापार करना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में कैसे आवेगा। और बोले भाई पहले पूरा व्यापार हथियाने का व्यर्थ मत करो, पहले उसमें पार्टनर, उसमें अपनी कुछ पूंजी डालो। जिसको पूरी तरह से अपनाना हो उसको पहले कुछ दो। पहले चार आना दिया, फिर कोई विभाग अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे तुम मालिक को निकाल देते हैं। वो हम कई कंपनियों के बारे में जानते हैं, पार्टनर होके आए और असली मालिक को निकाल के खुद मालिक बन गए। तो ये मन को पहले कहीं दो, तो कहां दें? जो सबसे निरापद है भगवान को दो। ये भी एक अद्भुत लीला है, न मन की शकल सूरत मालूम है न भगवान की शकल सूरत मालूम है। ये हम लोगों के गांव में पहले बैल को जब हल में चलना सिखाते हैं ना, तो ये नहीं कि एकाएक ले जाके हल में जोत दिया और वो खेत में जोतने लग गया, ऐसा नहीं होता है। पहले एक दूसरे बैल के साथ उसको जोड़ के ऐसे ही दौड़ाते हैं, तो बैल के साथ दाएं बाएं चलना उसको आ जाता है। वो पहले उसके नाक पर रस्सी लगा के हाथ में रखते हैं, कहीं इधर उधर न जाए, झूठ मूठ की लकड़ी उसके पीछे लगा देते हैं। बलता बाद में जब वो ठीक इशारे पर चलने लगता है तब हल में खेत में जोड़ते हैं। ऐसे नहीं, तो आप अपने मन को पहले भगवान के साथ जोड़िए। बोले बाबा भगवान तो देखे सुने है ही नहीं है, उनके साथ कैसे? तो देखो तभी कायदा अपने मन में, जो चीज इंद्रियों से अनुभव में नहीं आती है, माने जिसको हम नाक से सूंघ नहीं पाते हैं, जीभ से चख नहीं पाते हैं, आंख से देख नहीं पाते हैं, त्वचा से छू नहीं पाते हैं, कान से जिसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, मन से जिसका ध्यान नहीं होता है, तो फिर ये उपाय क्या है? उसके बारे में श्रवण करो। वो अकेले में बैठने से नहीं आवेगा, वो मन आंख बंद करने से नहीं आवेगा, उसके बारे में श्रवण करो। श्रवण जो है ये प्रमाण है। जैसे अनदेखी वस्तु को आंख दिखा देती है, वैसे अनजानी वस्तु को कान मालूम करा देते हैं। शब्द शब्द प्रमाण बोलते हैं इसको। ये अज्ञात का ज्ञापक है, अनजानी चीज को बताने वाला है। और ईश्वर के बारे में आप बिना श्रवण किए कुछ जान नहीं सकते। न वो अकेले में बैठने से होगा, न ध्यान करने से होगा, न मन खाली करने से होगा, न पहाड़ पर करने से होगा, न नदी में नहाने से होगा, न भूखे रहने से होगा। ईश्वर के बारे में जब आप श्रवण करेंगे तो वो कान के रास्ते आपके हृदय में प्रवेश करेगा। तो भक्ति में भी श्रवण पहला साधन है, श्रवणम चिंतनम निरंतरम। और वेदांत में भी श्रवण पहला साधन है, श्रवण मनन निधि ध्यासन श्रोतव्य। तो भागवत में बताया, प्रश्न क्या आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? बोले यदि बत्ता मिल जाए तो श्रवण कीजिए, श्रवणवंती। श्रोता मिल जाए तो ईश्वर के बारे में वर्णन कीजिए, और दोनों न मिले तो गुनगुनाइए। जैसे आजकल के बच्चे बाथरूम में भी सिनेमा का गाना दोहराते रहते हैं, वैसे आप भगवान के बारे में गुनगुनाते रहिए कुछ न कुछ। श्रृणवंती गायंती श्रृणंती बार 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 श्रवण कीजिए ईश्वर के बारे में, बार बार गाइए ईश्वर के बारे में, बार बार गुनगुनाइए ईश्वर के बारे में। ईश्वर को मन में बैठाने का यही उपाय है। और उसको एक फुट जगह दीजिए अपने घर में, और उसको पांच मिनट टाइम दीजिए अपने घर में, उसको एक सकल सूरत दीजिए घर में,
उसको चार चना दीजिए वो घर में, है ना, उसको दो फूल दीजिए घर में। कुछ वस्तु दीजिए और उसके लिए थोड़ा हाथ जोड़िए, थोड़ी परिक्रमा दीजिए पांव से, थोड़ा मुंह से बोलिए स्तुति कीजिए, थोड़ी घंटी गनगनाइए। ये क्या है? ये ईश्वर को अपने मन के भीतर लाने का और बैठाने का तरीका है। श्रृणवंती गायंती गृणंतीता, ये तीन काम तो आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बार बार ईश्वर की याद आ रही। स्मरंती कभी देखिए भगवान यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे हैं, अभिनव नवनी तस्मी सदुर्गम, मक्खन की तरह सावरा सलोना सुकुमार दूध पी रहा है, कहीं दही के छींटे पड़ रहे हैं, कहीं भाग रहा है, कहीं मोर मुकुट बांस के बांसुरी लेके दीवान पर पहन के रस बरसत बरसाने को थोड़ा भारी रस बरस रहा है। स्वाद लीजिए, स्वाद लीजिए। स्मरण की नंदन की कवि गोपियों के साथ साथ करके नाच रहा है। आप उसको कभी मालिक बनाकर पूजा कीजिए, कभी सखा बनाकर उसके कंधे पर हाथ रखिए, कभी उसको बच्चा बनाकर अपनी गोद में दूध पिलाइए, कभी उसको अपना पति प्रियतम बनाकर आप उससे प्यार कीजिए। ईश्वर के साथ सब संबंध होते हैं, तुम्हें वो माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, एक संबंध बनाए। स्मरंती नंदंती तवे हितं जनाः, याद करो और आनंद लो। बाहर की चीजों से आनंद लेने की जो आदत है वो गुलामी है। एक आदमी से आप मजा लेने लगो न मिले तो रोना पड़ेगा कि नहीं? एक चीज खाने लगो रोज की उसी में मजा आता है, न मिले तो रोना पड़ेगा। इतना रुपया रहे, ऐसी मोटर रहे, एक आदमी एक दिन रो रहा था, वो 20,000 रुपए की मोटर थी उसके पास, अब से 40 वर्ष पहले गया, रो रहा था। क्यों? बोले हमारी लाख रुपए वाली मोटर चली गई, देख देनी पड़ी महाराज क्या करें। और उसको 20,000 का मजा ही नहीं आता था, वो लाख रुपए का मजा आता था। ये बड़ा भूमता दुनिया में है, ये खाने को मिलेगा तब सुखी होंगे, ये पहनने को मिलेगा तब सुखी होंगे, ये आदमी मिलेगा तब सुखी होंगे, ये ऐसा मकान मिलेगा तब सुखी होंगे। यदि आप अपने मन के यार से, अपने मन के मीत से, अपने मन के प्यारे से सुख लेने की आदत डाल लो तो तुम्हारी गुलामी छूट जाएगी, जन्म जन्म की गुलामी छूट जाएगी। ये भक्ति है ना, ये प्यास भी है भीतर की और ये तृप्ति भी है भीतर की। और संसार के जो विषयी लोग हैं उनको प्यास भी है बाहर की और तृप्ति भी है बाहर की, वो मरने वाली चीज में फंसे हुए। नंदंती स्मरंती नंदंती तवे ही तव पश्यचिण तवकम भव प्रवाहु परम पदाजम तव पश्यंती। नान्ये केवल ऐसे लोगों को ही भगवान का दर्शन होता है। ये जो परमार्थ में भी व्यापार ला के डाल देते हैं, देखो सावधान। एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो 2 रुपया से ज्यादा खर्च मत करना, खर्च के काम में 2 रुपए से ज्यादा मत खर्च करना, सिनेमा देखना हो तो 50 रुपया खर्च कर देना। उनकी जो रोग थी वो धर्म पर थी, हो और सिनेमा पर नहीं थी, खाने पीने पर नहीं थी, कपड़े लत्ते पर नहीं थी। एक सज्जन कहते हैं चाहे जिससे मिलो दुनिया में सबसे मिलने की सिद्धि है, परंतु सत्संग मत जाना।
बड़ा डर है वो मूल दुश्मन तो यही है। तो आप आनंद सैव पश्यन्ति, जो लोग इसके बीच में व्यापार डाल देते हैं उनको भगवान के दर्शन में, जो श्रवण में कान में है ना गुनगुनाने में स्मरण में मजा लेते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। सैव पश्यन्ति नान्य सैव पश्यन्ति न तो विलंबे न, शीघ्र उन्हें दर्शन होते हैं, देर नहीं करते। तावकमेव नान्यदीयम् भगवान के चरणारविंद का भी दर्शन होता है और नहीं, इसको सर्वं वाक्यं सावधानं सैव पश्यन्ति चिरेण तावकम् अवत् प्रवाहो परमं पदां भुजं। इससे संसार का ये जो प्रवाह है ये नहीं तो पैसा भी बहेगा उसके साथ आप भी बहेंगे। एक दिन दो मित्र नदी के किनारे किनारे जा रहे थे तो देखा कि नदी में कोई कंबल शरीर था बाहर जा रहा है। तो भाई बड़ा बढ़िया कंबल दिखता है ये तो बड़ा नरम नरम हुआ दिखता है। अब वो महाराज जी ने कहा कि मैं तो ले आता पकड़ उस राजा के पकड़ लिया। अब वो भी बहने लगा और कंबल के साथ वो भी बहने लगा। उस किनारे से मित्र ने कहा अरे बाबा छोड़ दे कंबल नहीं आता है तो तू तो लौट जा। वो बोला कि अब कंबल छोड़े तब ना वो तो भालू कोई बाहर जा रहा था नदी में वो है ना, उसने कंबल समझ के पकड़ा और भालू ने उसको पकड़ लिया। तो ये दुनिया बही जा रही है इसके साथ आदमी का मन भी बहा जा रहा है और कुछ भी बहा जा रहा है। और तो इस संसार के प्रवाह से मुक्त करने के लिए यदि कोई उपाय है तो श्रेणुमन सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि जानि लोके हितानि। वेद में जो है उनका भी श्रवण और वर्णन करो वो मंगलमय है। और वेद वाले नए आते हो तो जानि लोके हितानि, दुनिया में जिनका गान होता है। सूरदास जी गा रहे थे हरि हौ सब पतितन कौ राय, हरि हौ सब पतितन कौ पीको, मो सम कौन कुटिल फल कामी। बल्लभाचार्य स्वयं गए उनकी कुटिया पर, गोकुल के उस पार सूर कुटी है मथुरा आगरा के रास्ते, एक मील छोड़ के जमुना किनारे जाना पड़ा। स्वयं बल्लभाचार्य जी आए और बोले सूरदास तुम अपना गीत क्यों गाते हो? हरि हौ सब पति तन कौ राय, मैं पति हूं पतों का राजा, तुम अपना गीत क्यों गाते हो? बोले महाराज क्या गाऊं? बोले अरे भगवान की बात गाओ ना, अपने मन को अपना पाप ताप देखने में मत लगाओ, अपने को हीन मत बनाओ, अपने को ईश्वर के दर्शन में लगाओ। बोले अच्छा महाराज तो बोलो गाओ शुरू करो। मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा ये कोई गाना हो? अपने काम दिखते हैं, अपने भोग दिखते हैं, अपना अभिमान दिखता है, अपना देह दिखता है, गाओ ना क्या गाना। सोमित कर नवमी कलिए कुटुरु अने चलत श्याम मणि आंगन मुख दिले किए। हाथ में और बाया हाथ धरती पर लगा है और दाहिने हाथ में मक्खन का लौंगा है। सांवरा सांवरा मुख तिरछी चितवन, छोटी छोटी मुंह में दंतुलियां, मुंह में मक्खन कुटा हुआ,
विटुरुवन चलत श्याम मणियांगन, घुटनों के बल चल रहे हैं, मुख दही लेप किए, मुंह पर दही लगी है, मुंह पर दही लगाए, हाथ में मक्खन का लोदा है, घुटनों के बल धरती पर चल रहे हैं। देखो एक तो वो था कि मैं बड़ा पतित हूँ, और एक ये देखो हाथ में मक्खन, मुंह में दही, प्यार भरी चितवन, मुख पर मुस्कान, मंद मंद मुस्कुराते हुए, कमर में करधनी, गले में बजना, और गाल पर वो तिलक, अच्छा तिलक, काला काला काला, किसी की नजर न लग जाए काला का, मुगराले बाल। देखो उनका, उनको कहो, उनको सुनो, उनको गाओ। अब जो भोग किए हो पहले उनको भूल जाओ, भूलने का यही उपाय है इसमें, ये बात करिए। जो तुमने बुरे बुरे काम किए, अच्छे अच्छे काम किए हैं, बुरे काम तुमको हीन बनाते हैं और अच्छे काम तुमको अभिमानी बनाते हैं, उनकी याद मत करो। कैसे याद छूटे उनकी, तो बार बार आती रहती है, जब तब आओ भगवान की याद करो, अपने प्यारे की याद करो, प्यारे के अपने यार की याद करो, अपने प्यार की याद करो। हाय हाय हाय, हमको चंद्रावली की याद आ गई, हमें कृष्ण की याद आनी चाहिए कि चंद्रावली की याद आनी चाहिए, प्रश्न हो गया मन। तो देखो किसी से भक्ति में दो है, दो बात है भक्ति, एक तो जो हमको नहीं चाहिए उसकी याद छूट जाती है, और जो हमको चाहिए उसकी याद आते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के दो व्यवहार है, जान लो के गीतानी। इससे मतलब नहीं है कि वेद में है कि शास्त्र में है कि कुरान में है, अरे भाई बिल्कुल दुनियादारी की बात है, बज गई तीन तीन। आज हमने देखा है, कहाँ देखा है, यमुना के किनारे, कहाँ तो वो कदम वृक्ष के पार क्या देखा है, तो दोन सौ मुख मुस्काई, एक दूसरे की ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे। यह दिल जानी बात, दिल दो में बात फैल गई है, ये दो दिन में ये बात फैल जाए, कहाँ लो छिपानी चंद, कहाँ लो समानी चंद, आसन छिपा दो, हाथ से कोई चंद्रमा छिपा सकता है, दो करें पहिया दौले सहें बलैया, वो उनके पांव पड़ रहे हैं, वो उनके पांव पड़ रहे हैं, उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाए गए, कृष्ण को गाय भूल गई, राधा को गागर उठाना भूल गया। तो संसार का विस्मरण, संसार को भूल जाना और अपने इष्ट देव आराध्य देव परमेश्वर का स्मरण होना भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, दुनिया को भूलना वैराग्य हुआ और भगवान का स्मरण होने से भगवत विषय ज्ञान हुआ, ये भक्ति के दो विषय हैं। गीतानि नामानि तदर्थकानि, अगर चरित्र आपको याद ना आता हो तो भगवान का नाम ले, तो नाम भी जैसे एक नाम दोहराना दूसरी चीज है, वो जप है, उसका नाम जप होता है। कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे कांटा डाल दें तो लोटे में गिरे, कुएं में गिरे हुए लोटे को पकड़ के ऊपर निकाल लें। ये कृष्ण जो है ना, कृष्ण में जो क्री है वो अंकुश है, अंकुश और सजीव है और ना परमेश्वर है, ये क्री संसार में फंसे हुए जीव को पकड़ा हुआ और ले जाके परमात्मा में मिला दिया। कृष्ण 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 नाम लेकर के यदि आपको लीला का स्मरण, नाम लेंगे तो मन एकाग्र होगा, और ऐसे नाम लें क्या, पीतांबर धारी, गिरधारी, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, गोपी जनवल्लभ, राधा रमण, ऐसा नाम लेंगे तो क्या होगा, एक एक नाम के साथ भगवान की लीला पुरे,
सबसे बड़ा प्रयोजन जो है संसार की माया ममता से मन को ऊपर उठाना, वो भगवान के नाम से सिद्ध होता है। यदि चाहते हो आप तो, और न चाहते हो तो बाबा मत आना। महाप्रेक्षा तो यदि सके बंधु संगे से रहेगा तो वृंदावन मत आना, कोई साक्षात के बुलाया नहीं जाता है, मत आना बनना। नहीं महाराज उसको आएंगे, हमारे घर में कुछ बच्चे आते हैं हो तो उनसे कहो कि फल खाओ, तो कहेंगे नहीं खाए। रोज 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 होता है, तो उनसे बोलते हैं कि ये फल तुमको नहीं मिलेगा, तो कहते हैं जरूर लेंगे। अच्छा खाना मत, बोले हम खाएंगे, खाएंगे नहीं, जरूर खाएंगे, हाथ में से छीन के खाने लगते हैं। तो भाई वृंदावन मत आना, आना तो बंसी बस मत जाना, मेरी गली में अयो ना हो। बंसी बस जाना भी तो गोविंद जी का दर्शन मत करना, गोविंद जी का दर्शन करना भी तो पोशाक वोशाक देख लेना, उनकी आंख से आंख मत मिलाना। ये श्रेणवन सुभद्रा रथांग बाणेर जन्मानि कर्माणि यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि। गिरिवरधारी भगवान आज से गिरिराज एक साथी आ जाने, एक पांव पर खड़े त्रभंग लड़े, पांव टेढ़े कमर टेढ़ी कंधा टेढ़ा मुंह टेढ़ा बांसुरी टेढ़ी मंद मंद मुस्कान सीता पर फहराता हुआ अवल गांव में सड़क प्रेम बरसता हुआ गिरिवरधारी सीताम बरधारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर। बस दिन भर रात भर की दुनिया ही याद करना, उनकी बहू ऐसी, उनकी बेटी ऐसी, उनका पैसा ऐसा, उनका मकान ऐसा, अपने मन का अपने आप सत्यानाश कर देना संसार का त्याग करने से। कहीं मोह होता है, कहीं मोहब्बत हो जाती है फंस जाते हैं, कहीं दुश्मनी हो जाती है नफरत हो जाती है द्वेष हो जाता है, कहीं ईर्ष्या होती है, कहीं होड़ लगती है, आप अपने मन को जलाने की सामग्री इकट्ठी करते हैं। वेद शास्त्र का कहना है कि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने मन को संसार का चिंतन करने के लिए छोड़ देगा तो उसका भी दृष्ट दुख नष्ट नहीं होगा, जब तक जिएगा तब तक हो दृष्ट दुखम न नष्ट। बोले यह नहीं कि छाती पहुंचते कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं सब कुछ कर सकते हैं, तो बोले तब आप रो भी सकते हैं, तब आप दुखी भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान से प्रेम करेंगे तो संसार वासना से। अब इसमें एक बात, श्रेणवन गायन सुनो और जाओ, लेकिन एक बात है तो देखो, जब आपको गुस्सा आता है तो किसी को गाली देने में आपको शर्म नहीं आती, भला बुरा कहने में शर्म नहीं आती। आपका रोज काम है बड़ी महीन आवाज में बोलने वाली स्त्रियों को जो बहुत प्यारी प्यारी बहुत मधुर मधुर मीठी आवाज नहीं बोलते, उनको भी मैंने देखा है जब नौकर पर नाराज होते हैं, जब बच्चे पर नाराज होते हैं, जब अपने पति पर नाराज होते हैं महाराज, तो उनकी आवाज में वो निष्ठुरता वो कठोरता वो करवाहट आ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। पर विश्वास ही नहीं होता कि वही देवी जी बोल रही है, वही जगत जननी जगदम्बा, एक पतिदेव से हो वो बड़े बुद्धिमान थे, तो जब उनकी पत्नी नाराज होकर बरसने लगती थी ना, तब वो ये रिकॉर्ड करने वाली मशीन जो है ना वो चालू कर देते थे। जब फिर उनका मूड ठीक होता बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बोलने लगती तो उनको सुनाते हैं देखिए आपकी आवाज कैसी हो जाती है। तो आप तो नारायण
गाली देने में शर्म नहीं आती, बेईमानी करने में शर्म नहीं आती, चोरी करने में शर्म नहीं आती, पर भगवान के नाम को भूलने में शर्म आती है, दिलज्जा भाई और सब लज्जा रखो चाहे मत रखो, भगवान के नाम में लज्जा का संबंध मत रखो और असंगत विचरे व्यवहार आप सब करो लेकिन किसी के साथ हंसो मत, असंग चिपक मत जाओ। हम लोगों ने बचपन में देखा था चिड़िया पकड़ने वाले आते हैं पहेलिया उनको हमारे यहाँ एक तिकोनी लाते हैं ऐसे उसमें गोंद लगी रहती है, उसके एक एक पांव में गोंद लगी रहती है और बीच में एक कीड़ा लटका देते हैं, जब चिड़िया उस कीड़े को खाने के लिए जाती है तो उसके पंख में गोंद लग जाता है। किसी को संग बोलते हैं, आसक्ति बोलते हैं, सटना सट जाना चिपकना सट जाना, अब वो चिड़िया की उड़ने की जो ताकत है वो समाप्त हो जाती है और शिकारी उसको जा करके पकड़ लेता है, असंग पतंग होकर लेता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च। बहुत दिन वेदांत सुनाया था भाई, भक्ति का प्रसंग मुश्किल से आया है। मैं तो सुनो उपनिषद सुनो अनुभूति प्रकार, पहले पहले जब यहाँ आए थे ना स्वामी प्रेमपुरी जी के यहाँ बहुत थोड़े से लोग आए, ऊपर हमने गोपी जी की कथा सुनाई, स्वामी जी वो आनंद देते। स्वामी जी एक ओर तो वेदांती थे, दूसरी ओर जब कोई प्रेम का प्रसंग आता ना तो आंखों से जर जर आंसू गिरने लगते, हमको विदा करते समय भी रोने लगते, उनकी आंखों में आंसू आते थे, हमको विदा करते समय भी रोने लगते। ये नहीं कि वेदांत आपकी आंख को सुखा देता है, सुखी कर देता है, वेदांत आपके दिल को कड़वा बना देता है, ये नहीं है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुराग हो द्रुत चित्त उच्च असत्य को रोदी तीरव की गायक्युन्मादवन नृत्यति लोकवाद्य। क्या होता है तो पहले ये प्रश्न है कि हम भगवान के गुणानुवाद का गान करेंगे, हम भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करेंगे, हम उनके वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के चरित्र का श्रवण करेंगे, गान करेंगे, व्रत ले लो अपने जीवन में नियम ले लो। एवं व्रत व्रत ले लो प्रतिज्ञा कर लो, हम इतना समय देखो बच्चे के लिए समय निकलता ही है, सोने के लिए समय निकलता है, बाजार में हारने के लिए समय निकलता है, बेकार बेमतलब परस खाया और बाजार में चले पैसा फूंक लिया, प्रयोजन हो तो बात दूसरी है, निष्प्रयोजन समय भी गवाया, अपना दिमाग भी खराब किया, पैसा भी गवाया और वासना लेकर लौटे हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे उतने समय में भगवान की कोई लीला सखा पढ़ो, अपने प्रेमी के सामने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं देह पद पल्लव मुदारम। श्री राधा रानी जी कहते हैं हे राधा रानी आप अपने उदार चरण कमल को हमें दीजिए, स्मर गरल खंडनम मम सिरस नंदनम। हमारे मन में जो वासनाएं हैं उनको वो चरण मिटा देंगे, हमारे सिर का वो आभूषण होगा। ये प्रेम प्रेम इसको बोलते हैं, अपने प्यारे के नाम का कीर्तन करो, स्वप्रिय नाम कीर्तिया अपने प्यारे प्रभु के नाम का कीर्तन एक अर्थ है उसका, और अपने प्यारे नाम का कीर्तन ये दूसरा अर्थ है, स्वप्रियस्य नाम नाम कीर्तिया स्वप्रियम जन्नाम तस्य कीर्तिया।
अपने प्यारे का नाम और अपना प्यारा नाम, उसकी कीर्ति, कीर्ति माने संशब्दन, तीर्थ संशब्दन, आनंद लो, स्वाद लो, रस। जैसे कोई आदमी रेगिस्तान में फंस गया, बेहोश होकर गिर पड़ा, पानी नहीं था, चिल्लाता है पानी पानी पानी, कितनी प्यास है उस पानी पानी शब्द में, कितनी प्यास है। और एक बालक था, भूखा था, उसको मिल गया रसगुल्ला और मुंह में डाला, बोले आह रसगुल्ला, ओह रसगुल्ला, डांटने लगा। ये भगवान का नाम जो है ना, वो प्यासे के लिए भी है और तृप्त के लिए भी है। प्यास से पुकारो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और तृप्त होकर बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सत्य नाम की प्यास जाता अनुराग कृत चित्त उच्च, तब प्रेम का उदय होता है हृदय में और हृदय द्रुत हो जाता है, विगलित हो जाता है, जल पिघलता। दिल पिघलने का क्या मतलब होता है? देखो ये रुमाल है हमारे हाथ, जब हम लेके चलते हैं तो कहीं गिर न जाए, कोई छीन न ले। हाथ को कड़ा करके रखना पड़ता है कि रुमाल हमारे हाथ में बनी रहे, नहीं तो अनजाने में कहीं गिर जाएगी है? या कोई छीन लेगा। अरे भाई सोना चांदी रुपया पर्स मुट्ठी में रखने के लिए थोड़ी मुट्ठी कड़ी करनी पड़ती है ना, तो हमारा दिल कड़ा कब होता है? जब हम दुनिया की किसी चीज को अपने दिल में पकड़ लेते हैं तो हमारा दिल कड़ा हो जाता है, सख्त कठोर निष्ठुर। हाँ फिर दूसरा भूखा मर जाए पर अपनी छह बरस की रोटी में से उसको देंगे नहीं, छह बरस खाने की अपने घर में रखी रोटी है, छह बरस खाने पर उसमें से उसको एक टाइम खाने भर के नहीं देंगे। अरे इसको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? ये मन की जो बदमाशी है, इसको दैन्य बोलते हैं, दीनता। ये दीनता है कि हम दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? ये मन की ऐसी दीनता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत मोस कन की, ऐसी दीनता या द्रुत चित्त होने का अर्थ यह है कि दिल में जो गांठ पड़ी थी, जो कठोरता थी, वो गल गई। अब ख्याल नहीं है कि हाथ में क्या है, दूर से गिर पड़ा कि रह, तब उसमें अनुराग का अनुराग होता है। पहले अनुराग होता है, जैसे सोना है चांदी है इसको गलाते हैं, कोई शकल उसमें बंधी हुई है, हार है, कुंडल है, कंगन है, कड़ा है, उसको जब गलावेंगे तो वो पहले की बनाई हुई जो शकल है वो टूट गई। अब क्या करना है? उसमें नई शकल भरना, तो नए सांचे में डालो, कृष्ण के सांचे में डाल दो। अब जिस मन में दुनिया भरी हुई है, उनकी बेटी उनकी बहू, वो ऐसा वो ऐसा, उसको पकड़ के हमारा दिल कठोर हो गया है। भगवान का नाम लो, दिल पिघल जाए, और पिघले हुए दिल को भगवान में डाल दो, रोदाकार हो जाएगा। जब तो दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अपने हृदय को भगवदाकार बना लो, इसका नाम अच्छा दिया।